बस वालों ने बस बहुत ही नीचे लगा रखी है, इसलिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। शायद से यहाँ कोई स्कूल है, वहाँ स्कूल तक जाना पड़ेगा, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं वरना बस भाग जाएगी तो फिर लिफ्ट भी नहीं मिलेगी इतनी हाइट में। तो लगा रखी है बस, पता नहीं पीछे तक क्यों नहीं आई है। शुक्र है मिल गई, अब बैठते हैं इसमें फटाफट। वहाँ पर है भुलकधार, ये है बाजार, और वहाँ है बिजली महादेव का पहाड़, ये है नरोगी से पीछे की तरफ को कुछ नहीं दिख रहा है बादल में। हम बैठ गए हैं बस में, बस वाले कर रहे हैं सवारियों का इंतज़ार, तो थोड़ी ही देर में बस चलेगी। पूरी धुंध ही धुंध हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है, मगर अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे दादी का पहाड़ भी, थोड़ी सी धुंध हट गई है वहाँ। यहाँ पर है एक बहुत गहरा नाला भी, इस नाले का नाम है त्रिंगड़ी। वहाँ देखो कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है। इसी नाले में जब ये खलियानी गांव के टच में पहुँचता है तो वहाँ पर घराट बना हुआ है, तो गांव वाले वहाँ पर गेहूँ पीसते हैं। अब बाकी लोग भी आने लगे हैं पीछे से, बारिश है बहुत ज़्यादा तो लोग जल्दी निकल रहे हैं अपने घर की ओर। हम पहुंच गए हैं खलियानी गांव में, तो ये है ऊपर वाला खलियानी, और क्योंकि यहाँ से कैंची मोड़ बहुत ही आगे तक जाता है तो हम नीचे वाले खलियानी के गांव के नीचे की तरफ से जाएंगे, बीच गांव से ऊपर नहीं जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा बिजली महादेव भी दिख रहा है वहां पर, धुंध हट गई है वहां से। मेरी नानी का घर है वहाँ उस तरफ, मगर रोड जाएगा थोड़ा नीचे से, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर हम वहाँ गए तो हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली इसके बाद, क्योंकि ये 3:30 बजे वाली बस लास्ट बस जाती है, तो नहीं तो हमें सुबह 8 बजे वाली बस में आना पड़ेगा। हम यहाँ किसी और दिन आएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को मेरी नानी का घर। ये वाली चट्टान देखो कैसी है, बहुत बड़ी, रोड के बीचों बीच इसे
ऐसे ही छोड़ दिया गया है, पता नहीं कुछ तो बात होगी। यहाँ पर भी है जोगनी माता, तो इसका पूजन भी होता है, यहाँ पर खीर होती है सावन महीने में। यहाँ के जगह का नाम है डेंगरू नाला। मैं यहाँ बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करती थी, क्योंकि इस साइड गाय वगैरह चराने आते थे। सामने वाला घर है मेरे बड़े नाना का, और जो ये वाला घर है कॉटेज टाइप है ये, तो ये है मेरे बड़े मामा का बड़े बेटे का घर। ये घर नए बने हुए हैं, पुराने वाले घर थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम किसी और दिन जाएंगे। वहाँ नीचे की ओर है मंदिर, वो है पांचवीर का। यहाँ पर जब ये देवता निकलता है तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कई बार हम भी आ चुके हैं, देखते हैं अगली बार भी। सामने वाली बिल्डिंग हरे रंग की है, ये है बड़े नाना जो मोहल गांव में रहते हैं उनकी है, ये अभी नई बनाई है उन्होंने। हम पहुंच चुके हैं बरोगी गांव में। वहाँ पर अब बादल छटने के कारण थोड़ा सा बाजार भी दिख रहा है, माहौल गांव दिखता है यहाँ से सीधा। हम पहुंच चुके हैं पात्रुषण, यहाँ की जगह का नाम है पात्रुषण। पहले नाना की ज़मीन मम्मी के पापा की यहीं हुआ करती थी, तो मैं नाना के साथ आती थी खेतों में हल जोतने, मुझे बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेब के बगीचे भी होते थे, सेब खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब देखो मौसम कितना ज़्यादा खुल गया है, सारे पहाड़ दिखने लग गए हैं, वहाँ देखो पूरा का पूरा बाजार भी दिख रहा है ये देखो। मगर बिजली महादेव पर अभी भी थोड़ी सी धुंध है। अगर मौसम बिल्कुल साफ़ होता तो ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, मनाली वाले जो पहाड़ है बर्फ़ के बहुत ऊंचे ऊंचे वो भी दिखते हैं, मणिकन वाले जो बर्फ़ वाले पहाड़ है वो भी दिखते हैं, जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं बर्फ़ से ढकी हुई वो सारी की सारी दिखती हैं। कोई नहीं, दूसरी बार जब आना होगा इस तरफ तो ज़रूर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पर मौसम अच्छा होना चाहिए यही सबसे बड़ी बात है, वरना धुंध में तो आजकल कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम पहुंच गए हैं ऊपर वाले शराज गांव के सामने। शराज गांव है इस रोड के
थोड़ा सा परे। हम कुलीवेट पहुंचने ही वाले हैं, वहीं तक जाएंगे हम बस में। वहां से जाएंगे हम सीधा पैदल बुट्टी को, मगर ये बस जाएगी सीधा कुल्लू की तरफ और फिर सीधे ही वापस आएगी। रहने आती है अब ये बस ऊपर लोट गांव को, वहां पर है बस अड्डा। फिर आएगी सुबह 8 बजे पूरे। रोड निकलने से बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है, वरना पूरा दिन लग जाता है। यहाँ कोलीवेड से ऊपर खलियानी गांव तक ही पैदल चलने में अब तो आधे घंटे का सफ़र हो गया है बस में, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। हम पहुंच गए हैं कोलीगढ़, जहाँ से हम बस में बैठे थे। तो वो वाला ट्रक जा रहा है बहानाला की तरफ और हम इस तरफ नहीं, इस तरफ जाएंगे। हमें उतरना है आगे कोलीगढ़ में, जहाँ पर डिपो है। कोलीगढ़ तो यहाँ पर भी है, ये पूरा का पूरा एरिया कोलीगढ़ ही पड़ा। गए हैं कोलीवेड में, जाएंगे यहाँ से पैदल। अब बिजली महादेव पर आधी धुंध रह गई है, आधा बिजली महादेव दिख रहा है। हमें जाना है नीचे बूटी की ओर। मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। जब बारिश होती है तो इस नाले में भी पानी भर जाता है। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा पानी हो गया है। ये है ऊपर वाले मोहल का पुल। अब जाएंगे हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे शॉर्टकट, सीधा रोड टू रोड नहीं जाएंगे हम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
बाय।